विराट कोहली को बीच आईपीएल में छोड़नी पड़ सकती है कप्तानी। विराट कोहली ने भले ही आईपीएल 2021 के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें यूएई में जारी सीजन के बीच में अपने इस पद से हटना पड़ सकता है। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी को आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के अपने पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। केकेआर के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी की टीम सिर्फ 92 रन पर सिमट गई थी। यह आईपीएल में आरसीबी का छठा सबसे कम स्कोर था। टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कुछ क्रिकेटरों ने यह भी कहा कि टीम कोहली की अचानक घोषणा से बिखरी हुई दिख रही थी। भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने मीडिया को बताया कि ऐसा लगता है कि कोहली को बीच में हटाया जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि जिस तरह से वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेल रहे थे, उसे देखकर ऐसा संभावना है कि उन्हें सीजन के बीच में ही हटाया जा सकता है। यह पहले भी अन्य टीमों के साथ हुआ है। केकेआर में दिनेश कार्तिक और सनराइजर्स हैदराबाद में डेविड वार्नर को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। उन्हें या तो हटा दिया गया या वे खुद ही हट गए। तो ये आरसीबी में भी हो सकता है। एक और खराब मैच और आप तुरंत आरसीबी की कप्तानी में बदलाव देख सकते हैं। मुख्य कोच और केकेआर के निर्देशक माइक हेसन भी विराट कोहली के अबुधाबी में एक मुश्किल विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से खुश नहीं थे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत था। विराट की जगह सीनियर खिलाड़ी एबी डिविलियर्स टीम की कप्तान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। टीम में उनका काफी सम्मान है।